तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज बात करते हैं मेरे सीपीयू के बारे में, जो कि है AMD Ryzen 5 1600। वो बेसिकली आप जानते ही होंगे 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, और मेरा लकीली देख सकते हो आप यहाँ पे CPU-Z। ये एक एप्लीकेशन है जिससे आप अपने CPU की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, पूरी डिटेल में हर उसके बारे में जान सकते हो। और देखो 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड AMD Ryzen 5 1600। तो यार काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट था। बहुत ही मस्त है यार, मतलब बिलीव करना तो मुश्किल ही था शुरुआत में। आप यहाँ पे भी देख सकते हो टास्क मैनेजर में नहीं हो रहा, तो मैं आपको कुछ टेस्ट रन करके दिखा सकता हूँ। अगर चलो सिनेबेंच R20 का टेस्ट रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका स्कोर आता है, क्या सच में सिर्फ दिखाई रहा है लॉजिकल कोर्स इसके हैं, या तो पहले हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भी जो हम लोग का प्रोसेसर दिया हुआ है 1600, यहाँ पे भी दिखा रहा है यार 8 कोर 16 थ्रेड। मुझे खुद नहीं पता कैसे ये यार, लेकिन सच में ये चीज़ है, बिलीव करने वाली अब चीज़ है ये। तो चलो देखते हैं एक इसको मल्टी कोर टेस्ट रन करने के बाद, देखते हैं सर कितना स्कोर आता है। तो देखो CPU ने परफॉर्म किया है और स्कोर आया इसका 3220। यार मतलब 70 पर ऑलमोस्ट देख सकते हो आप 1700X के आसपास परफॉर्मेंस दिया है। लाइक उसका स्कोर है 3455 और मेरा है 3220। तो काफ़ी यार मतलब सही है। अगर मैं इसको ओवरक्लॉक कर देता हूँ यार, तो ऑलमोस्ट क्या पता उसी के आसपास की परफॉर्मेंस दे दे 1700X से, या फिर शायद ज़्यादा भी दे सकता है। इसको मैंने एक बार शायद ओवरक्लॉक भी किया था लाइक 3.7 GHz पे, तो उसमें मैं शायद देख सकता हूँ जाके अभी सिनेबेंच R15 में, देखते हैं क्या होता है। तो चलो चेक करते हैं भाई। काफ़ी ये शॉकिंग था, पता नहीं कैसे ही है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ यार, आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आप लोग एक AMD यूज़र हो, Ryzen सीरीज़ का CPU यूज़ कर रहे हो, और अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें, तो मुझे ज़रूर बताना यार। चलो यार R15 का टेस्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो कोई इसमें झूठ नहीं यार, ये एकदम असली है Ryzen 5 1600 8 कोर 16 थ्रेड, इसमें भी यही दिखा रहा है सेम। और देख लो हम लोग का इतनी जल्दी टेस्ट कंप्लीट हो गया, बातों में पता भी नहीं चला। 1433 CB का स्कोर आया मल्टी कोर Cinebench R15 का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो पूरी डिटेल्स मेंशन है कितना स्कोर है, मेरे पिछले स्कोर्स भी देख सकते हो आसी पास। हाँ पहले से थोड़ा कम है, लेकिन आसी पास है। अगर ओवरक्लॉक में ऐसे कर दूँ तो काफ़ी अच्छा और स्कोर आ सकता है। तो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आई हो यार, आपको काफ़ी मतलब शॉकिंग लगा हो ये चीज़ पहली बार देखी, तो डेफिनेटली यार लाइक करो, कमेंट करके बताओ। फिर अगर ऐसी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।